ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था एडिशन के बेसिक रूल्स क्या थे, वो देखा था। ओके, आज हम लोग एडिशन पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअल एडिशन होता क्या है। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ बेसिक थिंग्स बताए थे। आज हम लोग देखेंगे कि एडिशन, हमें परफेक्ट एडिशन किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले तो फर्स्ट वी ऑलवेज कन्फर्म द साइन। एडिशन करते वक्त हमें हमेशा ये ध्यान रखना है, वो वन डिजिट एडिशन हो, टू डिजिट एडिशन हो, थ्री डिजिट एडिशन हो, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वो एडिशन का साइन क्या है। जब तक हम साइन देखेंगे नहीं, हम ये कन्फर्म नहीं कर सकते कि वहाँ पे हमें क्या करना है। सो वी शुड ऑलवेज कन्फर्म द साइन ऑफ एडिशन। ओके, डू अंडरस्टैंड दैट? ओके, नाउ सेकंड इम्पॉर्टेंट एंड सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ एडिशन इज दैट वी शुड ऑलवेज स्टार्ट द एडिशन फ्रॉम इट्स लेफ्ट साइड। ओके, यू अंडरस्टैंड? लिसन, वी शुड ऑलवेज स्टार्ट मीन्स कभी भी हम एडिशन जब स्टार्ट करते हैं तो हमें उस एडिशन के लेफ्ट साइड से ही एडिशन स्टार्ट करना है। ओके, सो अब मैं यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दूंगी, देन उसके बाद में हम वो सॉल्व करके देखेंगे कि हमें एडिशन किस तरह से करना है। ओके, सो फर्स्ट वी विल टेक द वन एग्जाम्पल, एंड एग्जाम्पल इज 1, 0 एंड इट इज द साइन ऑफ प्लस। ओके, दिस इज द साइन ऑफ प्लस एंड दिस इज द नंबर ऑफ 1। Which number? Number 1. And this is the 0. Okay. First, we remind this thing when we add 0 in any number. Okay. When we add 0 in any number, then we get answer itself. Means, जब भी हम किसी number में 0 add करते हैं, तो हमें उसी का number, वही number मिलता है. अब जैसा हमने यहाँ पर 1 + 0 करना है. ओके, जब हम 1 में 0 को ऐड करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा। ओके, वी विल गेट वन मोर एग्जांपल, 2 + 0। ओके, देन 2 + 0। ओके, सो 2 + 0 मीन्स 2। ओके, देन वी विल टेक वन मोर एग्जांपल, 10 + 0। ओके, नाउ हियर वी गेट द 1 digit, now it is the 2 digit, okay, well, but here is the, we add a 0, so 10 + 0 means 10. Students, 10 + 0 means 10. इसी तरह से हम चाहे वो 50 हो या 100 + 1, 0 भी करेंगे तो भी हमें आंसर जो है वो उसका सेम ही आएगा। अगर हम 100 + 0 करते हैं तब भी हमें आंसर जो है उसका 100 ही मिलता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब भी हम किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो हमें उसी का सेम आंसर मिलता है। ओके, देन नेक्स्ट वी डू द एडिशन फ्रॉम द 1 डिजिट एंड वी ऐड, फॉर एग्जांपल वी विल टेक वन एग्जांपल, 4 + 1। ओके, इससे पहले हमने देखा कि जब भी हमने किसी नंबर में 0 ऐड किया तो हमें वही नंबर सेम मिला। ओके, देन अब हम क्या करने वाले हैं कि हम किसी भी नंबर में जब 1 ऐड करते हैं तो हमें उसका जस्ट आफ्टर नंबर मिलता है। ओके, आफ्टर नंबर, व्हेन वी एनी टाइम कोई भी नंबर हम लेंगे और अगर हम उसमें 1 ऐड कर रहे हैं तो हमें उसका आफ्टर नंबर मिलता है। अब फॉर एग्जांपल 4 एंड 4 + 1 मीन्स 5, और 4 का आफ्टर नंबर क्या होता है? 5। ओके, इजंट इट? नाउ वी विल टेक वन मोर एग्जांपल। ओके, सो वी विल टेक 11, 1 एंड द एडिशन। ओके, सो 1 + 1, 2 एंड 1, 1, बिकॉज यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया हुआ। हियर इज द नंबर? नो, दैट्स वाई वी राइट हियर 1। सो वी गेट 11, व्हेन वी गेट 11 + 1 वी गेट द आंसर 12, एंड द 12 इज द आफ्टर नंबर ऑफ 11।
ओके सो इसी तरह से अगर हम 100 प्लस 1 करेंगे तब हमें क्या मिलेगा 1, 0 एंड 1. ओके समझ में आया कि जब भी हम किसी नंबर में 1 ऐड करते हैं तो हमें उसका जस्ट आफ्टर नंबर मिलता है. ओके ये था हमारा 1 डिजिट एडिशन और कुछ रूल्स थे जो मैंने आपको क्लियर किए. अब हम देखेंगे एक्चुअल एडिशन टू डिजिट एडिशन. ओके सो फर्स्ट वी राइट हियर 1s देन 10s. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें हमेशा जो एडिशन है वो एडिशन के लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है. तो सबसे पहले हम देंगे 1s. 1s मीन्स दिस इज द साइट, ये 1s की प्लेस है. सो हम यहाँ राइट करते हैं 4, देन यहाँ राइट करेंगे 2. ओके देन वी राइट हियर 3 एंड हियर वी राइट 4. ओके नाउ वी गिव द साइन ऑफ प्लस. ओके सो कहाँ से स्टार्ट करना है हमें एडिशन, तो हमें उसके लेफ्ट साइड से एडिशन स्टार्ट करना है, मीन्स 1s की प्लेस से. ओके सो अब हमारे पास 1s की प्लेस में कौन सा नंबर है, 4. कितने नंबर है, 4. सो विच नंबर इट इज 4, विच नंबर 4. तो हमें क्या करना है, 4 प्लस 3 करना है. क्या करना है, 4 प्लस 3. अब 4 प्लस 3, चलो हम यहाँ पर कुछ बॉल्स बना देते हैं. ओके 1, 2, 3 देन 4. ओके नाउ हियर इज 3 बॉल्स, 1, 2, 3. नाउ वी काउंट ऑल द बॉल्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. हाउ मेनी बॉल्स वी हैव, यस 7 बॉल्स. दैट मीन्स 4, वेन वी एट द 4 प्लस 3 वी गेट द आंसर 7. सेम वी डू दिस ऑल्सो, वी गेट 2 बॉल्स देन 4, 1, 2, 3 and 4. नाउ काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6. हाउ मेनी 6, यस दैट मीन्स 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6. सो आवर आंसर इज 67. ओके विच क्वेश्चन अवर, 24 प्लस 43. ओके 20 प्लस 43 एंड वी गेट द आंसर 67. ओके सो इसी तरह से हम 3 डिजिट एडिशन भी कर सकते हैं. अब 3 डिजिट एडिशन के लिए हम यहाँ लेंगे 1s, 10s एंड 100. ओके नाउ हम यहाँ ले लेंगे 3, 2 एंड 5. देन वी 2, 1, 3. नाउ गिव द साइन ऑफ प्लस. ओके नाउ 1s. ओके मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी हम एडिशन करेंगे तो हमें उसका लेफ्ट साइड से एडिशन करना है. अब 3 प्लस 2, सो वी हैव इन 1 फिंगर 5 फिंगर, सो वी टेक द 3 फिंगर. ओके 1, 2 एंड 3. देन अनदर हैंड वी विल टेक 2 फिंगर्स, 1 एंड 2. नाउ टोटल फिंगर्स वी काउंट, 1, 2, 3, 4 एंड 5. सो हाउ मेनी 3 प्लस 2, 5. हाउ मेनी 3 प्लस 2, 5. ओके देन 2 प्लस 1, सो वी विल टेक 2 फिंगर्स, देन अनदर हैंड 1 फिंगर. ओके देन काउंट 1, 2, 3. सो हाउ मेनी 2 प्लस 1, 3. हाउ मेनी 2 प्लस 1, 3. देन 5 प्लस 3, सो वी विल टेक 5 फिंगर एंड अनदर हैंड 3 फिंगर. नाउ काउंट ऑल द फिंगर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. सो 5 प्लस 3, 8. नाउ वी गेट द आंसर एंड वेरी इजीली वी डू दिस एडिशन. ओके अब हम बड़े नंबर्स का एडिशन लेंगे. जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारे पास सिर्फ 10 फिंगर्स होते हैं, है ना. और जैसा सिंपल एडिशन हुआ 4 प्लस 1, 2 प्लस 2, 3 प्लस 4, तो हम इन 10
फिंगर्स की हेल्प से वो एडिशन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन आता है 9 + 7, क्या करना है हमें 9 + 7। ओके, सो अब हमारे तो वन हैंड में 5 फिंगर है, दूसरे हैंड में भी 5 फिंगर, टोटल फिंगर्स हमारे पास में है 10। ओके, सो अगर हम लोग 9 फिंगर्स ले लेंगे तो 7 फिंगर्स कहाँ से लाएंगे, है ना क्वेश्चन है। हाँ, तो अब हमें क्या करना है, ये जो 9 है, क्या है ये 9, यस विच नंबर 9, एग्जैक्टली इट इज द 9। अब ये जो 9 है, सो ये 9 वी कीप इट इन अवर माइंड। ओके, वेयर, सो 8, 9 वी कीप इट इन अवर माइंड, देन आफ्टर वी टेक अ 7 फिंगर्स। ओके, सो विच नंबर वी कीप इट इन अवर माइंड, 9 फिंगर। ओके, देन 9, देन वी विल टेक 7। ओके, वी विल टेक 7, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। ओके, वी विल टेक 7, एंड हाउ मेनी नंबर्स इन अवर माइंड, 9। ओके, 9, सो विच इज द आफ्टर नंबर ऑफ 9, यस 10। ओके, 10 इज द आफ्टर नंबर ऑफ 9, सो वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 10। ओके, सो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, हाउ मेनी 16। कितना आंसर मिला हमें इसका, 16, है ना। इससे भी इजी स्टेप्स मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको ये स्टेप समझ में नहीं आ रही है, आपको हार्ड लग रही है, तो हम इस प्रॉब्लम को बहुत इजीली भी सॉल्व कर सकते हैं। अब उसके लिए क्या करेंगे हम, तो यहाँ 9 दिए हुए हैं, तो हम यहाँ 9 लाइंस बना लेंगे। ओके, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हाउ मेनी लाइंस, 9 लाइंस। नाउ वी ड्रॉ द अगेन 7 लाइन। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, विच लाइन, हाउ मेनी लाइंस, 7 लाइन। ओके, नाउ वी काउंट ऑल द लाइंस, वी काउंट ऑल द लाइंस, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, हाउ मेनी 16, सो वी गेट द आंसर 16, यस इट मीन्स 9 + 7 = 16। ओके, समझ में आया सभी को कि अगर हमारे पास बड़े नंबर्स होंगे और हमें उसका एडिशन नहीं करना रहा है, तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। वी विल टेक वन मोर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, एट प्लस 6। ओके, वंस अगेन वी डू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, देन 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, नाउ वी काउंट ऑल द बॉल्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14. So 8 + 6, how many? 14. 8 + 6, how many? 14. Okay? So now we learn the carry. Carry. Okay? So what is the carry? अब हमें कैरी का एडिशन करना है। ये हो गया हमारे सिंपल एडिशन, आज हम लोग कैरी का भी एडिशन इसके साथ में देखेंगे। सो कैरी एडिशन, सो हियर इज द वंस, इट इज द टेंस, नाउ वी राइट हियर नंबर एंड वी टेक अ नंबर ऑफ 7, एंड हियर इज वी नंबर ऑफ, which number we have, we take, so we will take 5,
देन हियर वी टेक सिक्स एंड हियर वी विल टेक टू. ओके सो एंड इट इज द साइन ऑफ एडिशन. अब हमें क्या करना है, इसका कैरी वाला एडिशन करना है. ओके सो अब हम क्या करेंगे. सो मैंने आपको बताया है सिंपल, यहाँ सेवन देन सिक्स. ओके अब हमें सेवन प्लस सिक्स करना है. तो सेवन हमें कहाँ रखने हैं, यस वी विल पुट साइन इन कीप इट इन आवर माइंड. ओके वी टेक द साइन एंड कीप इट इन आवर माइंड. देन वी विल टेक अ सिक्स फिंगर्स. हाउ मेनी फिंगर्स, सिक्स फिंगर्स. ओके सो विच नंबर कम्स आफ्टर सेवन, यस एट. ओके सो नाउ वी स्टार्ट द काउंटिंग फ्रॉम एट. सो एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व एंड थर्टीन. थर्टीन ओके सेवन प्लस सिक्स मीन्स थर्टीन. हाउ मेनी, थर्टीन. नाउ इट इज द थ्री एंड थ्री इज द वंस प्लेस एंड वन इज द टेंस. ओके थर्टीन आंसर आया है हमारे पास. और ये जो थ्री है ये वंस की प्लेस पे आ रहा है और ये वन जो है वो टेंस की प्लेस पे आया. लेकिन हमने क्या किया है, हमने तो सिर्फ वंस का ही एडिशन किया है ना. आपको ये क्वेश्चन आया होगा कि टीचर हमने तो वंस का ही एडिशन किया है, तो हम यहाँ पर थर्टीन लिख देंगे क्या, नहीं. तो हमें यहाँ पर थर्टीन नहीं लिखना है, ये जो है वो रॉन्ग है. तो हम क्या करेंगे, ये जो वंस की प्लेस का थ्री है वो हम वंस की प्लेस पे देंगे और ये जो वन टेंस है वो हम कहाँ देंगे, तो वो हम इस टेंस को कैरी देंगे. तो यहाँ हम एक सर्कल कर देते हैं और वहाँ पर एक वन हम उसे दे देंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, ये टेंस की प्लेस पे था और इसका हमें, इसको हमने टेंस की प्लेस पर दे दिया. ओके अब हमें क्या करना है, सो ये वन प्लस फाइव करना है, देन फाइव प्लस टू करना है. मीन्स हमें यहाँ क्या करना है, थ्री नंबर का एडिशन करना है. ओके देन वन प्लस फाइव सिक्स. ओके देन सिक्स प्लस टू एट. ओके सो सिक्स प्लस टू एट. सो हैव यू गॉट इट. ओके सो 57 प्लस 26 मीन्स टोटल एडिशन 83. वी गेट द आंसर 83. ओके डू अंडरस्टैंड दैट. ओके वी विल टेक वन मोर एग्जाम्पल. वंस टेंस. ओके देन हियर इज द फोर. नाउ हियर थ्री. हियर इज सिक्स एंड वन. ओके 34 प्लस 60. सो वंस अगेन वी कीप दिस फोर इन अवर माइंड. देन आफ्टर टेक अ सिक्स फिंगर्स. आफ्टर फोर विच नंबर कम्स, फाइव. सो वी स्टार्ट द काउंटिंग फ्रॉम फाइव. सो फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन मीन्स फोर प्लस सिक्स टेन. ओके जब हमने फोर प्लस सिक्स किया तो हमें टेन आंसर मिला. ओके अब टेन आंसर आने के बाद में ये जो जीरो है ये वंस की प्लेस पे है और वन जो है वो टेंस की प्लेस पे है. ओके सो फिर से हम क्या करेंगे, जीरो को वंस की प्लेस पे देंगे, देन ये जो वन है वो हम इस टेंस की प्लेस पर देंगे. ओके अब हमें क्या करना है, ये तीनों डिजिट का एडिशन करना है. सो करो फिर एडिशन. वन प्लस थ्री, यस फोर. देन फोर प्लस वन, फाइव. क्योंकि हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जब भी हम किसी नंबर में वन को ऐड करते हैं तो हमें उसका जस्ट आफ्टर नंबर मिलता है. आप सभी को समझ में आया एडिशन. ओके अब आपको क्या करना है, आप इस क्लास में जितना भी हमने सीखा है आपको इसी तरह से एग्जाम्पल्स लेने हैं
आपको इसी तरह से एग्जाम्पल्स लेने हैं और घर में ही आपको इसका प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। आपको एडिशन समझ में आया? ओके, सो इसी तरह से आपको एडिशन करते रहना है। बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा, कुछ हार्ड नहीं है। अगर आपको माइंड में नहीं रखना है तो आप इसमें लाइंस भी खींच सकते हो, बॉल्स भी बना सकते हो, आप जो चाहे वो बना सकते हो, मैंगोस, एप्पल्स, आपको जो अच्छा लगता है वो बनाकर आप उसका काउंटिंग करके सिंपल और इजी तरीके से एडिशन कर सकते हैं। थैंक यू।